देश के विभिन्न हिस्सों में अफीम की तस्करी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 1.5 किलो अफीम बरामद की गई है। बाजार में इस अफीम की कीमत करीब 2 लाख रुपए आंकी गई है। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 5 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। बताया जा रहा है कि अब तक इन तीनों अपराधियों पर किसी भी तरह का कोई मामला दर्ज नहीं है। ये आरोपी बिना किसी की पकड़ में आए अपने काम को अंजाम देते आ रहे थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों आरोपी ट्रेन के जरिए हरियाणा में एंटर कर रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने जाल बिछाकर तीनों को पकड़ लिया। डीएसपी अरविंद दहिया ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान गुड्डू, संजय और संतोष के रूप में हुई है। ये तीनों आरोपी झारखंड और बिहार के रहने वाले हैं। तीनों बिहार के गया जिले से अफीम लेकर आए थे। राजधानी दिल्ली और हरियाणा के साथ साथ देश के विभिन्न हिस्सों में ये आरोपी अफीम सप्लाई करने का। कल शाम को हमारी सीआईए सेकंड टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि 3 लड़के हैं जो कि बिहार और झारखंड के रहने वाले हैं, तो वो बिहार से अफीम वो कुछ जो अलग और जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंसेज हैं उनको लेकर दिल्ली एनसीआर के इलाके में सप्लाई करते थे। तो कल शाम को हमने 3 लोगों को गुड्डू, संजय, संतोष जो कि बिहार के और झारखंड के रहने वाले हैं, इन लोगों को टिकरी बॉर्डर के पास से अरेस्ट किया था। इनके पास से करीब हमारे को 1.5 किलो अफीम मिली है जो कि उन्हें आसपास के इलाकों में सप्लाई कर रही थी। तीनों लोगों को आज हम 5 दिन के पुलिस रिमांड के लिए हम कोर्ट में पेश करेंगे। तो बाकी जो इनका जो फर्दर नेटवर्क है जहाँ से लेके आए थे लोगों को, कुछ जगह जहाँ जितने में सप्लाई करते थे उन लोगों को हम ट्रैक करेंगे। सर पहले भी सप्लाई की इन्होंने अभी तक का पहले का हमें कोई FIR इनके अगेंस्ट रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन जो इन्होंने बातचीत में बताया तो कुछ जो है NCR में इन्होंने उससे पहले 1 या 2 बार ही आए थे, और जहाँ जहाँ ये उससे पहले गए हैं उन लोगों को हम आइडेंटिफाई करके।